नमस्कार। आरएस भर्ती परीक्षा में चयन नहीं होने पर विवाहिता को घर से निकाल दिया गया। ताजा मामला झुंझुनू का है। जा राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में असफल होने पर विवाहिता को घर से निकाल दिया गया। ससुराल वाले कार वे 10 लाख रुपए की डिमांड करने लग गए। आरोप है कि रिजल्ट आने के बाद से ही लेक्चरर पति सास ससुर ने ताने देना शुरू कर दिया। प्रताड़ना यात्रा के नहीं रुकी कि विवाहिता को घर से निकाल दिया गया। पूरा मामला झुंझुनू जिले के सूरतगढ़ का है, जहाँ विवाहिता ने सूरतगढ़ थाने में पति सास ससुर व दो दलालों के खिलाफ देश प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। विवाहिता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2016 में उसकी शादी विकास से हुई थी। विकास पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर है और शादी से पहले उसने आरएस 2013 की प्री एग्जाम को क्लियर किया था। इसका रिजल्ट 2015 में आया और शादी के दौरान 2016 में ससुराल वालों ने यह सोचा कि वह आगे एग्जाम क्लियर करके एसटीएम बन जाएगी। शादी होने के बाद उन्होंने घर पर तैयारी शुरू की और दिसंबर 2016 में मुख्य परीक्षा हुई, लेकिन उषा इसमें सफल नहीं हो सकी। मामले पर उषा का आरोप है कि मेंस का रिजल्ट आने पर सिलेक्शन नहीं हुआ तो पूरे घर में मातम छा गया। परिवार वालों ने ताने देना शुरू कर दिया और वह रोज रोज तानों से परेशान हो चुकी थी। वह दर्द को चुपचाप सहती रही और इसके बाद पति ने शराब पीना भी शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच विवाहिता ने दूसरी परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दिया और उसका लक्ष्य था कि वह किसी दूसरी परीक्षा पास कर सफल हो जाएगी, लेकिन उन्होंने मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार आरएस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन नहीं होने पर विवाहिता को ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। जहाँ विवाहिता ने सूरतगढ़ थाने में पति व सास ससुर व दो दलालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।